सकते हैं विद्या के बैनर पे। विद्या एपिल पढ़ाती है, एपिल माने सेब, जो कि गलत इंग्लिश है, बट ऐसा क्यों पढ़ाती है उसके पीछे की पूरी कहानी आपको पता चलेगी कि एक अनपढ़ लड़की क्यों स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा रही है। और एक कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ क्योंकि एक टेलीविज़न शो है तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा सा रोमांस होगा, थोड़ा सा ड्रामा होगा और बहुत सारी पढ़ाई होगी। नहीं, उड़ान के बाद मैं चिल कर रही थी, पर महेश पांडे जी जो इस शो के निर्माता है, जिन्होंने इस शो का कॉन्सेप्ट लिखा है और जो राइटर भी है शो के, उन्होंने उड़ान लिखा था कुछ टाइम के लिए और मतलब टेक्निकली हमने साथ काम किया है, तो वो जानते थे कि मैं कौन हूँ, किस तरह की एक्टर हूँ, और उन्हें लगा कि शायद उनके शो के लिए मैं सही चॉइस रहूँगी या उन्हें लगा कि मैं फ़िट होती हूँ इस कैरेक्टर में, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब मैं सिर्फ सुनती रही और मैंने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया जब वो मुझे सीन्स बता रहे थे। तो जब आप अपने आप को इमेजिन ही कर लो फिर तो आपको लगता ही आपको करना चाहिए, प्लस टेलीविज़न पर ऐसे शोज़ बनते नहीं हैं, तो जब ऐसे मौके मिले तो फिर छोड़ने नहीं चाहिए। तो मेरी एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, पर मेरी एक मैथ्स की टीचर होती थी जो साउथ इंडियन होती थी, तो वो एम को यम बोलती थी, फिर वो वाई को येल्लो को एल्लो बोलती थी, तो जब मैं ये सारे प्रोनंसिएशंस करती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ और फिर मैं कहीं ना कहीं ऐसे प्रोनंसिएशंस निकालती हूँ। बट हाँ, जब ऐसे स्कूल वाली सीन्स होती तो मुझे अपनी स्कूल याद आती है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, पर मुझे बच्चे बहुत पसंद है, जब तक बच्चे सवाल पूछना ना शुरू करें तो फनी होता है, बच्चों के साथ मज़ा ही आता है, वो बच्चे खेलते हैं फिर आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हो, ऐसे सब चल रहा होता है, तो मज़ा आता है उनके साथ सीन्स करने में। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो कैसा इंसान होता है, कितना एक्सपोजर की बात है कि जब हम लोग नहीं जानते कि जब मतलब होता है ना, हमने पढ़ाई नहीं की, हम चार लोगों के बीच में बोलने के लायक नहीं समझते अपने आप को क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जहाँ होता है ना अभी भी बहुत सारे जगहों पर बच्चे बड़े खुश होते कि अरे हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, जब यही बच्चे बड़े होंगे उनको समझ आएगा कि अगर पढ़ लिया होता जब मौका था तो क्यों नहीं, और क्यों हमने छोड़ी पढ़ाई। माँ बाप समझेंगे कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वह ऐसा बनेगा, तो ये सारी बातें हैं जो वेरी नाइस गाइस, फैन लगाया उसने यार, कौन करता है, शुरू करो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो इस शो के लिए तैयारी ये कि मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत सीरियस हो गया हूँ और डीएम के बारे में पढ़ना लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ने लगा, कैसे होते हैं, क्या होते हैं उनकी लाइफ में, कैसा होता है वो, कैसे अपनी अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, तो मैंने भी वैसा ही किया, कोशिश की और इन्होंने डिग्री हासिल की, अपने फ़ोन्स को अवॉइड करना शुरू किया और इंस्टाग्राम और ये फालतू चीज़ें जितनी भी हैं इन सबको इग्नोर किया और रियल लोगों से मिलने लगा, फ़ोन से दूर रहने लगा, लोगों इंसानों से मिलने लगा और अपने बाल कटवाए मैंने जिससे कि मेरा सारा ध्यान बालों में ना रहे और बॉडी ऐसी नॉर्मल खाना खा रहा हूँ ना है ना ज़्यादा जिम करता हूँ, आधा घंटा सिर्फ फिटनेस के लिए जाता हूँ, तो ये सब चेंजेस किए मैंने अपने कैरेक्टर के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है, एक एक जिला जैसे होता है, जिला अधिकारी यू कैन से, उसके पास पावर्स होती हैं, वो उसके एरिया के अंदर क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, वाइट एंड ब्लैक कहाँ हो रहा है, कौन मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें चेक करता है, कौन पोस्ट पे होके गलत रिश्वत ले रहा है, तो ये सब उसका काम है। तो मैंने इन सब ये है विवेक, उसका पूरा नाम है विवेक वरदान सिंह।